सीपीएम के साथ अभी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का उसने हाथ लगाया गया और राहुल गांधी जी ने बयान दिया क्योंकि वो छात्र थे, युवा थे। उन्होंने कहा हालांकि मैं हिंसा पर विश्वास नहीं करता, शर्मिंदा होनी चाहिए, लेकिन अगर इन युवाओं ने इस तरह की कोई हरकत की है तो मैं उन्हें माफ करता हूं। ये उनकी दया के लिए, क्योंकि इस ज्ञान को उदयपुर की घटना का बड़ा था। डब्ल्यू और डॉक्टर अगर कोई आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उस वीडियो को चलाता शायद हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। भारत सरकार के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री जो भी सांसद भी है राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुब्रत पाठक जो सांसद है, दो तीन लोग जो सांसद है विधायक है, मैं उनका नाम लेकर उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहता। उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया में रिलीज की। ये वीडियो एक न्यूज चैनल द्वारा चलाएंगे और जब कानूनी कार्रवाई की बात हुई और उस न्यूज चैनल ने तुरंत माफी मांगी। स्वयं माफी मांगने का नहीं, स्वयं इस बात का है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग हैं जिनके इशारे पर श्री राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश हुई और देश में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हुई। हम बार बार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस बात को कहा है कि इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाता है, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में फिर से संसद के चुनाव होंगे, उससे पहले देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की बात हो रही है, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिश हो रही, ये माहौल जान भूल कर तैयार किया जा रहा है ताकि देश में धार्मिक उन्माद फैले और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा। हमारे पार्टी के आंतरिक संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश जी ने 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप जवाब दें, लेकिन कोई जवाब नहीं है। बहुत सारी जगह पर हमारी पार्टी के लोगों ने FIR फाइल किए और आज 5 तारीख का 3 दिन हो, लेकिन नड्डा साहब की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के रहने वाले, विधि स्नातक रहे, विधि लोग रहे और गरीबी क्लास के लोग हैं, कानून की बारीकियों को समझ
चाहिए तो यह था, यह अध्यक्ष होने के नाते जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर, कड़ी कार्रवाई की बात तो दूर रही, कम से कम शो को आप नोटिस तो इशू कर, क्योंकि मामला एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा है जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार की इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही, बलिदानों का इतिहास रहा है परिवार। और आतंकवाद को अगर किसी ने बहुत नजदीक से देखा है, बर्दाश्त किया है, वो गांधी परिवार, राहुल गांधी जी ने देखा कि किस तरह से उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी आतंकियों की गोली का शिकार हुई। उन्होंने यह भी देखा कि उनके पिता श्री राजीव गांधी किस तरह से बम विस्फोट में मारे थे और उसके पीछे आतंकी संगठनों की कार गुजारी रही है। वो समझते हैं कि इस आतंक से जहां उनके परिवार को देश पहुंची है, वहां पूरे राष्ट्र ने इन घटनाओं को देखा है। नड्डा साहब को चाहिए था कि वो कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सो रहा है कि इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। अगर आप देखें कि किस तरह से हाल में ही जम्मू कश्मीर में गांव वालों ने जिस आतंकी को पकड़ा उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था, चाहे विवाद अटारी की बात करें, नवंबर 2019 में भाजपा का सदस्य बना, उसी तरह से 2022 में तारिक हुसैन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का सदस्य बना। और हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इन आतंकियों को कितनी इज्जत देते हैं, इन्हें जी करके संबोधित करते। अभिनव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो तारिक हुसैन को जी करके संबोधित करते, कितनी इज्जत इन आतंकियों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में, इस बात के स्पष्ट रूप से इंगित होता है। हम जगत प्रकाश नड्डा जी से आशा करते हैं कि लोकतंत्र की परंपराओं को निभाते हुए वो कार्रवाई करें जिसकी गुंजाइश हो। हमने ये भी निर्णय लिया है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी भी शिकायत करे और शिकायत आज या कल हम भी जो है पुलिस के समक्ष
जो है कंप्लेंट दायर करने वाले।